हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सैंडविच जो बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। ब्रेड की स्लाइस, 3 उबले हुए आलू, 1 प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर। स्टफिंग तैयार कर लेंगे, उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होते ही प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। हल्दी डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबलस्पून। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अच्छे से चला लेंगे। मैश किया हुआ आलू डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से हमारे सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का यूज कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डाल देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम ब्रेड पर स्टफिंग रख देंगे, अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से हमें सारे सैंडविच तैयार कर लेना है। स्टफिंग मैंने लगा लिया है, अब हम इसे सेक लेंगे। तवा गर्म होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा बटर डाल देंगे। सैंडविच रख देंगे और अच्छे से सेक लेंगे। इसे पलट लेंगे। इस तरह से हम सारे सैंडविच को सेक लेंगे। रेडी है आलू सैंडविच, बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है।